नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो में समझते हैं फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में और जानते हैं रेडियल और रिंगमैन सिस्टम का क्या कंपैरिजन है। हमारे एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक सेंटर सब स्टेशन से किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाले सब स्टेशन को ये जो लाइनें करंट को सप्लाई करती हैं या लोड को सप्लाई करती हैं उन्हें फीडर कहते हैं। फीडर के रास्ते में कोई टेपिंग्स नहीं होती और पूरे फीडर की एक जैसी करंट कंडीशंस रहती है। ऐसे फीडर के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को डिजाइन में कैलकुलेट करते समय लाइन की करंट कैरिंग कैपेसिटी को मेन कंसिडरेशन रखते हैं। लाइन में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप को ज्यादा महत्ता नहीं देते क्योंकि यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशंस को मैनेज कर सकता है। एक 11 kV 415 वोल्ट डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर से जब यहाँ हमारा 3-phase 4-wire सप्लाई कंज्यूमर्स के लिए आगे भेजते हैं तो ये जो लाइन है इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूटर में अलग अलग कंज्यूमर्स अपनी लोड की कैपेसिटी के हिसाब से अपने सर्विस कनेक्शंस लेते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी लेंथ में करंट एक जैसा नहीं रहता। जो सबसे आखिर में डिस्ट्रीब्यूटर की लेंथ है वहां करंट कम है और शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर में करंट ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर की जब हम डिजाइन करते हैं तो कंज्यूमर के टर्मिनल पे स्टेपुलेटेड ±6% की लिमिट में वोल्टेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी डिजाइन में करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सर्विस मीन्स कंज्यूमर के प्रमिसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर से जाने वाली लाइनें हैं और इनकी जो साइज है वो कंज्यूमर के घर पे कनेक्टेड लोड के अनुसार ली जाती है। प्रश्न है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन की लिमिट्स क्या है। तो जो 415 वोल्ट का 3-phase 4-wire डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कंज्यूमर के एंड पे वोल्टेज का वेरिएशन ±6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार सप्लाई अथॉरिटी पे कंपल्शन है। एसटी डिस्ट्रीब्यूशन पे वैसे तो कोई वोल्टेज रेगुलेशन की लिमिटेशंस नहीं है लेकिन जहां ट्रांसफार्मर में ऑनलोड टेप चेंजर्स होते हैं वो वोल्टेज को ±12.5% में रेगुलेट कर सकते हैं। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर क्या है? तो फीडर पावर को फीड करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को और फीडर में पूरी लेंथ में करंट का मैग्नीट्यूड एक जैसा रहता है और इसकी डिजाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से की जाती है। यही प्रश्न आ गया कि फीडर का जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसे डिजाइन किया जाता है। तो वो लाइन में कितना करंट है उसके हिसाब से कंडक्टर में करंट डेंसिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि लिमिट से ज्यादा करंट डेंसिटी होने से कंडक्टर में टेम्परेचर राइज ज्यादा होने से कोई इंसुलेशन फेलर नहीं होगा, कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और उसके टूटने के खतरे आ जाएंगे। तो हम एक फीडर में क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा रखते हैं कि वो फुल लोड करंट पे भी गर्म ना हो। तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया की डिजाइन है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी या करंट डेंसिटी से होती है। इस परीक्षा उपयोगी फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर की बात को दोहरा देते हैं। एक फीडर हमारे मेन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई को कैरी करता है और इसकी डिजाइन में मेन कंसिडरेशन करंट कैरिंग कैपेसिटी है। वोल्टेज ड्रॉप की कंसिडरेशन कम महत्वपूर्ण है और इसका कारण यह है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा फीडर में वो कंपनसेट किया जा सकता है वोल्टेज रेगुलेटिंग इक्विपमेंट्स के द्वारा जो कि हम ट्रांसफार्मर के साथ सब स्टेशन पर टेपिंग चेंज करके प्राप्त कर सकते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर वो लाइन है जिसमें कंज्यूमर अपने सर्विस कनेक्शन लेता है और पूरी लेंथ पे करंट का मैग्नीट्यूड बदलता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन में ज्यादा महत्वपूर्ण है वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन करना और कंज्यूमर के एंड पे परमिसिबल लिमिट ±6% से ज्यादा वोल्टेज वेरी नहीं होनी चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन में करंट कैरिंग कैपेसिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा डीसी या एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरल और सस्ता है? तो एक सेंटर सब स्टेशन से अलग अलग सीधी लाइनों से डिस्ट्रीब्यूटर तक ये जो लाइनें ले जाने वाला सिस्टम है इसे हम रेडियल सिस्टम कहते हैं। रेडियल सिस्टम अगर हमारा सब स्टेशन लोड के सेंटर पोजिशन पर है और अलग अलग लोड पोजिशन की लेंथ काफी कम हो गई है तो ये सबसे सरल और सस्ता डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है। लेकिन ये कम रिलायबल है क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर को केवल एक ही रास्ते से फीड मिलता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है। पूछा है किस तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा रिलायबल है? तो ये जो सिस्टम है जिसे हम रिंगमैन सिस्टम कहते हैं जिसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर फीडर दो या ज्यादा रास्तों से इंटरकनेक्ट होकर एक क्लोज्ड
कंप्लीट रिंग बना लेते हैं और हर डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम दो जगह से फीड मिलती है। ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि अगर किसी एक फीडर में प्रॉब्लम भी आ गई तो दूसरे फीडर से लोड को हम कैटर कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम भी कम है। तो सारे जो रिलायबल पावर सिस्टम्स हैं वो इस तरह के रिंगमैन सिस्टम से बनाए जाते हैं। एक सरल प्रश्न के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो थ्री फेज फोर वायर टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें तीन लाइनों के फेज और न्यूट्रल सप्लाई किया जाता है और हम इसे मिक्स लोड के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी लाइन और न्यूट्रल के बीच में हम सिंगल फेज सप्लाई दे सकते हैं और तीनों लाइनों को न्यूट्रल के साथ हम थ्री फेज सप्लाई भी दे सकते हैं। इस वीडियो से आपको फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस मैंस की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी और रेडियल और रिंगमैन का कंपैरिजन भी आप जान गए हैं। हमारी वीडियो की मदद से आपकी परीक्षा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।